हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मानी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, इसका नाम है वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। मेरा एक टेलीग्राम सब्सक्राइबर है जिसका असली नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन टेलीग्राम में उनका नाम है KKR फैन। तो उन्होंने ये स्टॉक का जो एनालिसिस है वो रिक्वेस्ट किए थे, तो उसी के बेसिस पे आज मैं इसको जो है एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप भी अगर मुझे कोई स्टॉक का एनालिसिस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स का टेक्निकल चार्ट में, मतलब BEPL का टेक्निकल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, और वो आज भी मैं करूंगा इसके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए जाते हैं screenart.in पे। और दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये जो स्टॉक है इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस ले रहे हैं, इसको हम लोग कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं ले रहे हैं। ये स्टॉक जो है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रहेगा, तो एनालिसिस जो है उसी तरह से होगा इसका। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह लेंगे जो 5 से 7 साल तक जा सकता है। तो चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बंसली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स मतलब BEPL का फंडामेंटल पेज पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चीज देखता हूँ वो है बुक वैल्यू। आप अगर देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू जो है वो 21.47 है, और जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 45.95 है। आप इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा ये बुक वैल्यू टू करेंट प्राइस का जो रेशियो है, मतलब जो प्रीमियम है, वो 2x के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक इन्वेस्टेबल प्रीमियम है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। आप इसके बाद अगर ये कंपनी का जो है अगर ROC देखेंगे, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको दिखेगा ये जो है 28.10 है, मतलब 30% के आसपास है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। आप अगर ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 16.64 है, ये भी 15 के ऊपर है, मतलब ये जो है हम लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप इसके बाद सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो 32% के आसपास है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोस्तों ये भी जो है एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है इन्वेस्ट करने के लायक स्टॉक है। मतलब इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो इसका सेल्स ग्रोथ है, ये सब हम लोगों को जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को एनालिसिस करके देखेंगे कि ये कंपनी का जो बैकबोन है कितना स्ट्रांग है। तो पहले हम लोग इसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो चलिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बंसली इंजीनियरिंग लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे मैं 2017 से जो है एनालिसिस स्टार्ट करूंगा, उससे पहले नहीं दिखूंगा। तो अगर 2017 से आप देखोगे तो आप देखो जो 17 का फिगर है, इससे आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो अच्छा है, मतलब सेल्स ग्रोथ जो है हर एक साल हुआ है। इस साल तो मैं ये इसको पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो है ये साल में क्या चल रहा है ये तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे तो देखो ये जो है बीच में 2019 पे ड्रॉप किया था, लेकिन इस साल फिर से बढ़ गया है। तो इसके कारण जो है 2019 पे ही इसका प्राइस ड्रॉप हुआ था, जो अपॉर्चुनिटी के तरह हम लोग यूज करना चाहते हैं। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे उसमें भी आपको सेम चीज दिखेगा, 2018 में सबसे ज्यादा हुआ, 2019 में घट गया, अभी फिर से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट में देखोगे उससे भी आपको सेम चीज ही दिखेगा कि 2019 में ये गिर गया था, अभी फिर से ये इसका जो इंक्रीज हो रहा है। EPS भी वही सेम चीज हम लोग को बोल रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसमें 2019 पे एक डिप आया था, जो डिप के कारण इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा गिर गया है, और इसीलिए हम लोगों के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह आया है। क्योंकि अभी अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो इस साल जो है इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। तो हम लोग आशा कर सकते हैं इसके बाद भी इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीमेंट में जाएगा। यही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का यही जो पार्ट है, इसी पार्ट के लिए मैं आपको बोला
कि इस स्टॉक को हम लोग जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोग को कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए होता है, इसमें कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसका ग्रोथ हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, जो 5-7 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। ये हम लोग के लिए कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं ला रहा है, तो इसको हम लोग 3 से 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं। अभी हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि इसका बैकबोन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, क्योंकि बैकबोन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में हम लोगों को जो है रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो चलिए हम लोग जाते हैं इसके बैलेंस शीट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इस कंपनी का बैलेंस शीट में, और यहाँ पे भी मैं 2017 से ही जो एनालिसिस चालू करूंगा। अगर आप 2017 से एनालिसिस चालू करोगे तो आपको देखोगे शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये जो है न्यूट्रल पार्ट है, इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप कैश रिजर्व देखेंगे तो देखिए कैश रिजर्व जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट पे है। ये दोस्तों जो है एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन का निशानी होता है कि रिजर्व जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसका बोरोइंग्स देखिए, 2017 में 137 करोड़ का बोरोइंग्स था, और उसके बाद देखिए 2018 टू टिल नाउ इसका कोई बोरोइंग्स ही नहीं है। मतलब ये कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, कितना अच्छा कैश रिजर्व है कि इसका कोई बोरोइंग्स ही नहीं है। ये विदाउट कोई बोरोइंग्स जो कैपिटल है, अपना खुद का कैपिटल है, उससे काम कर रहा है। तो ये जो है इस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और दोस्तों इसके सिवा आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट, देखिए फिक्स्ड एसेट भी जो आपको दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसका फिक्स्ड एसेट का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये सब देखते हुए हम लोगों को यही लग रहा है कि इसका जो शॉर्ट टर्म रिलेशन है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको दिख रहा है कि ये अभी का अभी प्राइस इसका नहीं भी बढ़ सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि रॉकेट बन गया, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो उतना भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आप बैकबोन देखोगे तो बैकबोन बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है ये कंपनी का, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में ये हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसी के चलते हुए ये स्टॉक को हम लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पिक किया है, जो 5 से 7 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह रहेगा। तो दोस्तों चलिए अभी जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट में और वहां पे समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग कौन सा प्राइस में इसको खरीद सकते हैं, कहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए टेक्निकल चार्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वंसादी इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, मतलब BEPL का टेक्निकल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। इसके ऊपर अगर मैं सभी लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है, तो आपको वो ऐसा दिख सकता है। और मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज किया है जो है मूविंग एवरेज 200। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्यों लिया गया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इस चैनल में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा पार्सोनल एनालिसिस है और मैं एडुकेशनल पर्पस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप कभी भी ये सब लेवल के बेसिस पे आंख बंद करके ट्रेड ना करें, आप इसके ऊपर खुद का भी एनालिसिस करें, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करें और उसके बाद ही डिसीजन ले कि आपको कोई ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो प्राइस है बहुत दिन से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के पहले, मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये कुछ दिन पहले ही ऊपर गया था और उसके बाद ये फिर से डाउन गया और अभी फिर से ऊपर आया है। मतलब दोस्तों ये जो प्राइस है, मतलब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो होता है ये इन्वेस्टर के लिए एक फेवरेट इंडिकेटर होता है। जब भी कोई स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे से काट करके ऊपर आता है और ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब जाके इसमें जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है आना शुरू कर देता है। और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट टाइम से पहले ये देखिए यहाँ पे एक कैप एंड हैंडल पैटर्न भी ये बनाया है जिसको ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो ये भी एक आपको एक पैटर्न भी दिख रहा है जो एक बुलिश पैटर्न होता है। तो दोस्तों ये सब के चलते हुए इस स्टॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको अभी जो करंट मार्केट प्राइस जा रहा है 45.95 जा रहा है, लेकिन हम लोग इसका जो एंट्री है वो बनाएंगे 45 के आसपास, मतलब 45 के आसपास हम लोगों का एंट्री होगा जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर प्राइस नीचे आता है तो हम लोग का जो एवरेजिंग लेवल होगा वो 25 रुपीज के आसपास होगा। इसका मतलब दोस्तों हम लोग जब एंट्री करेंगे तब पूरा क्वांटिटी, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो क्वांटिटी बनता है वो पूरा क्वांटिटी से एंट्री नहीं करेंगे,
हम लोग उसका 40 या 50% क्वांटिटी से ही जो है एंट्री करेंगे। उसके बाद प्राइस अगर नीचे आता है तो एवरेजिंग लेवल पे हम लोग बाकी का जो क्वांटिटी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और दोस्तों ये जो स्टॉक है इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। अगर कंपनी बंद हो जाता है या प्राइस जीरो हो जाता है तभी जाके हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हम लोग जो है स्टॉक को 5-7 साल तक होल्ड करने वाले हैं और उस टाइम पे जो प्राइस होगा उसी में हम लोग वो इसको सेल करेंगे। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि नेक्स्ट 3-4 महीने में ये आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट देगा, ये ऐसा नहीं है। इसके जो प्रॉफिट है वो देने के लिए आपको टाइम लगेगा। और दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा जाता है तो हम लोग पार्शियल प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे 75 रुपीज के आसपास, ताकि कुछ प्रॉफिट जो है वो हम लोगों के घर पे आ जाए और बाकी शेयर लेके हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट जोन के तरफ वेट करेंगे कि प्राइस कितना भी ऊपर चले जाए, 5-7 साल तक जितना ऊपर जाएगा उसको जाने देंगे और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। नहीं तो इसके बाद हम लोग को जहां पे भी लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा चला गया है, मतलब डबल ट्रिपल हो गया है, तो उस टाइम पे हम लोग जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो आने में जो है 4-5 साल तो लग ही जाएगा। ये इतना जल्दी जल्दी तो इसमें होने का चांस बहुत कम है कि आपको डबल ट्रिपल मिल जाएगा कुछ दिन के अंदर। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट जोन के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कुछ स्टॉक का एनालिसिस रिक्वेस्ट करना है तो आप हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।